देखिए बागेश्वर धाम में विवाद तो चल रहा है, ऐसा हमको भी न्यूज में सुनने मिला है, और इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए आस्था सबका भगवान में लगा रहे, क्योंकि वो भी सनातन लोगों को, सनातनी लोगों को एकजुट होने का बात कर रहे हैं और एकजुट रहने का मतलब मैसेज दे रहे हैं। तो इससे हम कहेंगे कि उनको फॉलो करें, क्योंकि देखिए वो भी जिनके भगवान का भगवान उसी को चुनते हैं जिनपे जिसको चुनना चाहते हैं। महा शिवरात्रि दुर्गा पूजा समिति का इधर रामगढ़ की ओर से यह भक्ति जागरण का आयोजन किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं जो कि भोले बाबा की बराती को तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं भोले बाबा भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं और बराती की तैयारी की जा रही है। पार्वती जी की माता यहाँ पे मौजूद है और कमेटी के देख सकते हैं राजेश भैया हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। भैया आज महाशिवरात्रि पे क्या प्रोग्राम किया जा रहा है? आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे कमेटी के द्वारा भक्ति जागरण का आयोजन किया जा रहा है, झांकी के माध्यम से जो हमारा धार्मिक परंपरा जो है उसको हमारे कलाकारों के द्वारा दिखाया जा रहा है। हमारे देवी देवताओं का किस तरह कल्चर रहा है, हमारे देवी देवता किस तरह से आज संघर्ष के बाद यहां तक पहुंचे हैं, भगवान का वरदान कैसे मिला है, उस चीज़ को दिखाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सुबह से ही हम लोग भंडारे का आयोजन किए हैं, भंडारे में भक्त भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, और हम आग्रह भी करेंगे कि आप लोग भी प्रसाद खा के अवश्य जाए। और प्रत्येक वर्ष आयोजन समिति का एक प्रयास रहता है, क्योंकि यह मंदिर में लोगों का इतना आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है कि लोग भिन्न भिन्न जिलों से और भिन्न भिन्न राज्य से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा माना था कि ये मंदिर जो रामगढ़ की धरोहर भी है और काफी पुरानी है ये मंदिर। यह वाकई में यह मंदिर बहुत पुरानी है, प्राचीन का मतलब ही पुराना होता है, और यह कम से कम 300 से 400 वर्ष पुराना यह मंदिर है। हम लोग का पूर्वजों का भी मामला मानना है कि यह राजा के द्वारा बनाया गया यह मंदिर है। क्या खास बात है मंदिर में? तो खासियत इतना है कि कहना ही नहीं। सुने हैं कि इसमें बिना सीमेंट का बनाया हुआ। हाँ, यही तो प्राचीन मंदिर है, उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, और पुरातत्व विभाग का भी मानना यह है, जैसा कि आपको हम बता दें कि पुरातत्व विभाग इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर चुका है, और पुरातत्व विभाग अपने अंडर में इस मंदिर को लिया है, और हम लोग को कमेटी को मना भी किया हुआ है कि आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इस मंदिर का रिपेयरिंग में सीमेंट का यूज ना करें। तो यहाँ पे जो आप लोग आयोजन करते हैं शिवरात्रि के मौके पे, कितनी वर्षों से चलता आ रहा है ये? यह तो हम लोग को बाप दादा के टाइम से ही चलते आ रहा है, लेकिन हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से बाबा का सेवा में लगे हुए हैं, और एक छोटा सा हम लोग का प्रयास रहता है कि एक अच्छा से अच्छा सेवा हमारे जिला वासियों को या हमारे शिव भक्तों को हम लोग दें। क्या नाम है? अनिल राज। क्या करते हैं? ये हमारा टीम है जो आज और जागरण आप देख रहे हैं वो हमारा ही टीम है, और इस ये रामगढ़ से ही। क्या क्या झांकी में क्या क्या दिखलाते हैं? सभी का, शिव का है, गणेश पार्वती का है। क्या दिखलाइएगा आज? सभी का दिखाएंगे, गणेश शिव का तो देख ही रहे हैं, उसके साथ कृष्ण राधा का भी है, दुर्गा का भी है, सभी का दिखाया जाएगा, सभी देवताओं। यहाँ पे देख सकते हैं बने हुए हैं जो झांकी में आज दिखलाने वाले हैं यहाँ पे शिव जी की बारात को लेके। तो आइए जानते हैं क्या बने हैं आप और क्या आज ये दिखलाने वाले हैं। हम शंकर और पार्वती माँ की मम्मी बने हुए हैं। मम्मी बने हुए, क्या रोल रहेगा अभी आपका? मेरा दोनों तरफ से रहेगा, मम्मी है तो दोनों का शादी कराना। देख सकते हैं शिव जी की मम्मी और पार्वती जी की मम्मी बनी हुई है, और अभी यहाँ पे काफी बेहतरीन झांकी की प्रस्तुति यहाँ पे की जाएगी जो कि देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया सोनी। आप क्या रोल दे रहे हैं? हम सिंगर हैं, गाना गाते हैं भक्ति जागरण। कौन सा गाना अभी गाइएगा? बहुत सारा नागपुरी जो भक्त लोग झूम सके। अच्छा, तो ये सिंगर हुई और काफी यहाँ पे देख सकते हैं भक्तों का मनोरंजन करते नजर आएंगे अभी। क्या नाम हुआ शिव जी आपका? शिव जी। शिव जी है ऐसे? आपका वास्तविक नाम क्या है? मेरा नाम सत्यम। अच्छा, यहाँ पे शिव जी के रूप में शिव पंथ धारण हुए हैं, और हमारे साथ एक लड़का भी है देख सकते हैं जो कि पूजा पाठ किए हुए हैं देख सकते हैं। बहुत सारे सनातनी भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, आज महाशिवरात्रि पूजा है। जी जी।
देखिए महाशिवरात्रि तो एक आस्था का पर्व है ही, और ये महाशिवरात्रि साल में एक बार आता है और ये उत्साह का त्यौहार है जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव की शादी का वृंतात बताया जाता है। तो यहाँ हम कहता शिव मंदिर से हम रामगढ़ का वासी होंगे और यहाँ का जो मंदिर का जो भव्य जो सजावट है और भव्य व्यवस्था है, ये कमेटी इन्होंने मतलब यहाँ की कमेटी ये चीज़ को देखभाल की है और बहुत अच्छा यहाँ का प्रोग्राम किया गया है। जैसा कि बाबा जान रहे अभी कि बागेश्वर धाम सरकार में बहुत विवाद चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए बागेश्वर धाम में विवाद तो चल रहा है ऐसा हमको भी न्यूज में सुनने मिला है, और इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए आस्था सबका भगवान में लगा रहे क्योंकि वो भी सनातन लोगों को सनातनी लोगों को एकजुट होने का बात कर रहे हैं और एकजुट रहने का मतलब मैसेज दे रहे हैं। तो इससे हम कहेंगे कि उनको फॉलो करें क्योंकि देखिए वो भी जिनके भगवान का भगवान उसी को चुनते हैं जिनपे जिसको वो चुनना चाहते हैं। अभी जैसे कि उनपे बालाजी की कृपा बतलाया जा रहा है, चमत्कार चमत्कार दिखलाते जा रहे हैं और सभी मीडिया कर्मी सभी जितने भी लोग हैं उनको ढोंगी बतला रहे हैं, तो कोई बोल रहे हैं वो सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, ये ढोंगी कहना गलत है, उनको अपशब्द बोलना गलत है क्योंकि जिस पे भगवान की कृपा होती है वो श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ होता है, और वो बालाजी हैं जो कृपा हुई है और वो लोगों को ऐसे ही भलाई करते रहे, ऐसे ही एकजुट होकर चलते रहे, ऐसा हम चाहेंगे। लोग सनातन पे वार व्यवहार करते रहे, उनको इस तरह के सनातनियों को बदनाम करने का, नहीं ये सनातन के पीछे ये गलत बात है कि यो वार व्यवहार करना या फिर उन्हें गलत कहना, क्योंकि सनातन धर्म एक बहुत पुराना धर्म है और ये पहले से चलते आया है और आज भी चलते रहेगा।